चलिए क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है पढ़ते हैं फिर करते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स डज नॉट हैव द मोलकुलर फॉर्मूला दैट। देखिए मोलकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है और पूछा जा रहा है बताइए इस मोलकुलर फॉर्मूला का कौन सा नेम सही नहीं है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ये कि अगर इस कंपाउंड को आप देखिएगा तो ये हमारा सिंपल हाइड्रोकार्बन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि हमारा इस कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन एटम होने से ऑक्सीजन एटम हमारे डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं। अगर इस कार्बन चैन में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगा तो हमारा एल्कोहल बना सकता है फंक्शनल ग्रुप या ईथर बना सकता है, बस ये हो सकती है। नहीं तो अगर ऑक्सीजन इस कंपाउंड में डबल बॉन्डेड होगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितनी होती है, टू होती है, तो ये डबल बॉन्डेड भी हो सकता है और सिंगल बॉन्डेड भी हो सकता है। सिंगल बॉन्डेड होगा तो एल्कोहल और ईथर बनाएगा, एल्कोहल नहीं तो हमारा ईथर बनाएगा। अगर हमारा ऑक्सीजन कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्डेड होगा तो ये हमारा क्या बना सकता है, ये हमारा कीटोन बना सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है तो क्या हमारा बना सकता है, कीटोन बना सकता है। तो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं इस ऑक्सीजन के। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें डबल बॉन्डेड नहीं है और इसमें डबल बॉन्डेड है तो हम इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल कर फिर बता सकते हैं कि इसमें से कौन से हमारे क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप होंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से, फिर ऑप्शन को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे कंपाउंड के नाम दिए गए हैं उस नाम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले रहे हैं और उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन एटम की संख्या को काउंट करके आंसर करते हैं। देन हम दूसरा मेथड भी देखेंगे कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ये मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है तो इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम उसमें प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम को काउंट करके अपना आंसर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल का नेम दिया गया है तो नेम से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जानते हैं। कैसे हम जानते हैं, नेम लिखते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर लिखते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, फिर लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। अगर बात करें नेम लिखने के तो हम कुछ ऐसे नेम लिखते हैं, लेकिन जब हमें नेम दिया हो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले कंपाउंड के अंदर हम वर्ड रूट को देखते हैं। देखिए इस कंपाउंड में देखिएगा तो वर्ड रूट हमारा क्या है, हेक्स मतलब हमारा टोटल एटम कितना होगा, सिक्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बोला जा रहा है इसके बाद देखिए लिखा गया है AME, मतलब ये हमारा बताता है सफिक्स प्राइमरी को कि हमारा पेरेंट चेन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अगर सिंगल बॉन्डेड होता है तो AN यूज करते हैं, मतलब हमारा पेरेंट चेन क्या है, सिंगल बॉन्डेड हो गया। देन लिखा गया है सफिक्स सेकेंडरी हमारा लिखा है OL। देखिए अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एल्कोहल हो तो इसके लिए हम सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं OL नाम लिखते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे OL लिखा गया लेकिन वो OL कहाँ पे है, OL हमारा फर्स्ट पोजिशन पे है तो ओएल फर्स्ट पोजीशन पे है तो हम यहाँ पे OH दे देते हैं, एल्कोहल होगा। तो अगर इसमें काउंट करूँ तो 6 कार्बन है, 14 हमारा हाइड्रोजन होगा, देखो ना CH3 CH2 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 और CH2। तो अगर काउंट करूँ तो कार्बन कितना है जी, कार्बन हमारा 6 है, हाइड्रोजन 14 है और ऑक्सीजन 1 है। हमारा मोलकुलर फार्मूला क्या है, सेम है जो मोलकुल का दिया हुआ है, मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही नाम दिया गया है, जबकि गलत देखना है तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 हेक्स एन ऑल। सबसे पहले आप वर्ड रूट को पकड़िए, 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बोला जाया गया है कि AN बोला है, मतलब पेरेंट चेन हमारा क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा। देन बोला जा रहा है कि OL कहाँ पे है, दूसरे पोजिशन पे, तो 1 2 यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर इसमें देखो तो क्या होगा, CH3 CH2 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 CH होगा और CH3 होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी कार्बन हमारा कितना है, 6 है, हाइड्रोजन 14 है,
और ऑक्सीजन एक है। ये भी जो स्ट्रक्चर दिया गया है मोलिकुलर फार्मूला सेम है, मतलब ये भी हमारा नाम नेमिंग क्या है इस मोलिकुल का सही होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी देखें हम, तो ऑप्शन सी देखो तो दिया है 2-methyl-2-pent-enol, मतलब यहाँ पे सबसे पहले वर्ड रूट को पकड़ेंगे, पेंट है, पांच कार्बन है, देखिए 2-3-4-5। ठीक है, अब बोला जा रहा है देखिए ये पेरेंट चेन कैसा है, अगर इसका नेचर देखना है तो देखिए बगल में हमारा ए एन ई लगा है, ए एन ई लगा है मतलब हमारा पेरेंट चेन क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। देन आप सफिक्स सेकेंडरी को देखिए, सफिक्स सेकेंडरी में ओ एल लगा है, मतलब ये एल्कोहल होगा, और एल्कोहल होगा तो किस पोजीशन पे होगा, तो दूसरे पोजीशन पे, तो यहाँ से अगर करूँ तो 1-2 पोजीशन पे हमारा क्या है, ओ एच है। साथ ही साथ प्रीफिक्स प्राइमरी कुछ होगा नहीं क्योंकि बाई साइक्लो स्पैरो दिया नहीं है। अब देखिए 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा है, मतलब प्रीफिक्स सेकेंडरी हमारा क्या है, 3 पोजीशन पे है, तो 1-2-3 पे CH3 लगा है। बाकी यहाँ कार्बन की संख्या देखूँ तो यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, और यहाँ CH3। तो अगर इसमें भी काउंट करूँ मैं कार्बन, तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब ये भी मोलिकुलर फार्मूला हमारा क्या बैठा, सेम बैठा जब मोलिकुल का नाम लिखा, मतलब ये जो मोलिकुलर फार्मूला है इस मोलिकुल का नाम सही है, ये भी होगा। ऑप्शन डी को देखते हैं हम, ऑप्शन डी में देखिए दिया गया है 3-methyl-3-pent-enol। अब सिंपल सी बात है, नाम दिया है तो इसमें से सबसे पहले वर्ड रूट को देखेंगे, तो वर्ड रूट में क्या है, पांच कार्बन है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं 2-3-4-5, ये हमारा डी ऑप्शन है, पांच हो गया। अब देखिए पेंट, अब हमारा पेरेंट चेन जो है वो ए एन ई लगा है, मतलब सफिक्स प्राइमरी लगा है, तो सिंगल बॉन्डेड होगा, क्योंकि ए एन ई तब लगाते हैं जब सिंगल बॉन्डेड होता है पेरेंट चेन। तो देन हमारा सफिक्स सेकेंडरी लगा है ओ एल, और ओ एल हम किसके लिए यूज करते हैं, एल्कोहल के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये लगा है तीसरे पोजीशन पे, तो 1-2-3 हम इधर से करते हैं नंबरिंग, आप किधर से भी कर सकते हैं, यहाँ पे ओ एच लगा देंगे। देन देखिए बोला जा रहा है 3-methyl, मतलब इसमें प्रीफिक्स प्राइमरी हमारा है नहीं, तो प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या है, 3-methyl है, तो देखिए 1-2-3 पे यहीं पे क्या लगा है जी, CH3 लगा है। तो बाकी हाइड्रोजन को मैं दिखा देता हूँ, CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, फिर हमारा यहाँ पे CH2 होगा, और यहाँ पे CH3 होगा, और इस तरीके से इस कंपाउंड में भी अगर कैलकुलेट करें तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 14 है, और ऑक्सीजन 1 है, मतलब इसका भी इस मोलिकुल का नेम जो है हमारा जो कंपाउंड दिया गया है वही होगा, मतलब ये भी हमारा सही होगा। और ऑप्शन देखते हैं ई, ई ऑप्शन में दिया गया है कि साइक्लोहेक्स एन ऑल, मतलब यहाँ पे वर्ड रूट देखें तो वर्ड रूट कितना है, 6 कार्बन का है, और ये 6 कार्बन का वर्ड रूट कैसा है, तो प्रीफिक्स हमारा प्राइमरी बताता है कि जो हमारा पेरेंट चेन है उस पेरेंट चेन का नेचर कैसा है, स्ट्रेट चेन है, ये स्पायरो है कि बाई साइक्लो है कि साइक्लो है, तो इसके आगे अगर साइक्लो वर्ड लगा है तो 6 कार्बन का हमारा क्या होगा, साइकिल होगा। चलिए बना लेते हैं। अब देखिए फिर बोला जा रहा है कि 6 कार्बन का कार्बन साइकिल है, उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स प्राइमरी अगर देखे तो ए एन ई लगा है, मतलब हमारा साइकिल क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा। देन हमारा सफिक्स सेकेंडरी देखूँ तो ओ एल लगा है, जो कि ओ एल यूज करते हैं एल्कोहल के लिए, तो ओ एल आप कहीं पे भी लगा सकते हो, क्योंकि हम नंबरिंग वहीं से करते हैं जहाँ से पेरेंट चेन में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, तो हमारा यही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या देखो तो यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, C हमारा H होगा। ठीक है, अब काउंट कर लेता हूँ इसमें कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन देखे तो 6 है, हाइड्रोजन देखे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, क्या है जी, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 1 है, जबकि हमारा मोलिकुलर फार्मूला क्या दिया गया है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 14 और ऑक्सीजन 1, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन सेम है, कार्बन सेम है, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 कम हो गया, और 2 कम हो गया मतलब मोलिकुलर फार्मूला सेम नहीं हुआ, तो हमारा ये क्या होगा, ये मोलिकुल जो नेमिंग दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये मोलिकुलर फार्मूला नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ई हमारा गलत है।
और यही पूछा गया है कि इनमें से कौन से नाम गलत है, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो आपको बोले थे दूसरा मेथड कि आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से भी बता सकते हो कि कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे और कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो चलिए हम देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही होगा अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड आउट करने से। तो हमें तो मोलकुल दिया गया है C6H14O, और अगर किसी मोलकुल का मोलकुलर फार्मूला पता हो तो इसका हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालते हैं कैसे, 1/2 × 2 times नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड प्लस 2 - मोनोवैलेंट एटम प्लस ट्राइवैलेंट एटम का सम कर देते हैं, जो आता है वही हो जाता है। यहाँ से देखो तो 1/2 × कार्बन कितना है, 6 है, तो 2 × 6 हो जाएगा, प्लस 2 कर देंगे माइनस मोनोवैलेंट एटम, तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, मोनोवैलेंट एटम होता है, तो कितना है 14 है, तो 14 लिख देंगे, प्लस ट्राइवैलेंट एटम, भाई मेरे ट्राइवैलेंट एटम है नहीं, उसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, डायवैलेंट एटम होता है, तो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। अगर इसे कैलकुलेट करें तो 1/2 × 14 - 14 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 × 0 हो जाएगा, और ये करूँगा तो हमारा फाइनली 0 हो गया। मतलब इस कंपाउंड, ये जो भी हमें कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 होना चाहिए। देखिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब होता है ना ही नो डबल बॉन्ड होगा और ना ही कोई हमारा साइकिल होगा कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा पहला दिया है 1-hexanol, मतलब हम जानते हैं 6 मेंबर मतलब 6 कार्बन होना चाहिए, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड है, एल्कोहल लगा है, और एल्कोहल हम जानते हैं क्या होता है, एल्कोहल हमारा OH सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन कंबाइंड फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया गया है 2-hexanol, मतलब 2 पे हमारा ऑल जुड़ा है, एल्कोहल जुड़ा है और 6 कार्बन का सिंगल बॉन्डेड है, ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा, सही ऑप्शन है, तो गलत ऑप्शन चूज करना है तो नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया गया है 3-methyl-2-pentanol, देखिए 3 पे हमारा मेन चैन के 3 पे मिथाइल जुड़ा है, 5 कार्बन का चैन है, और दूसरे पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, और पैरेंट चैन हमारा क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए बोला गया है 3-methyl-3-pentanol, मतलब 5 कार्बन का चैन है, सिंगल बॉन्डेड है, OH फंक्शनल ग्रुप है, और 3 पोजीशन पे क्या लगा है जी, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, डबल बॉन्ड इसमें नहीं होगा, ना ही साइकिल होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत होगा, क्योंकि हमें गलत नेम का ही ऑप्शन सही करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है साइक्लोहेक्सेनॉल, अरे मेरे भाई हम अभी तो बताए थे कि साइक्लिक कंपाउंड होगा या डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो उसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जबकि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमारा कितना आया है, 0 है, तो हमारा साइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ये जो हमें मोलकुल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग नाम गलत है, ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है पढ़ते हैं फिर करते हैं। बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स हैव 4 कार्बन एटम इन द पैरेंट चेन, पूछा जा रहा है कि जो भी कंपाउंड दिए गए हैं इनमें से किस कंपाउंड में पैरेंट चेन 4 कार्बन के हैं। चलिए कंपाउंड को देखते हैं, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं और फिर काउंट कर लेते हैं, बहुत इजी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कंपाउंड अगर आप देख रहे हैं, इस कंपाउंड में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और OH अगर किसी कंपाउंड में कनेक्टेड हो तो इसे हम बोलते हैं एल्कोहल, क्या एल्कोहल, OH हमारा होता है एल्कोहल, मतलब ये कंपाउंड हमारा क्या है, एल्कोहलिक हाइड्रोकार्बन है। तो अब देखिए इसमें हम काउंट करते हैं पैरेंट चेन, तो देखिए अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तो पैरेंट चेन हम लॉन्गेस्ट कार्बन को सेलेक्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए, अगर करें तो यहाँ से इंक्लूड करते हुए हम यही पैरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नंबरिंग करें तो देख ले 1, 2, 3, 4 मतलब 4 इसमें कार्बन है, 1, 2, 3, 4, और यही तो हमसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में भी हमारा एक OH ग्रुप जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी हमारा कंपाउंड क्या होगा, एल्कोहलिक कंपाउंड होगा,
तो इसमें पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन को मेन चेन में रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, यही होगा। नंबरिंग सर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, जबकि हमें बोला जा रहा है 4 मेंबर का, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, हमें इसमें देखे तो हमारा यहाँ पे CHO मतलब कुछ ऐसा C डबल बॉन्ड O H फंक्शनल ग्रुप है, और इसे हम बोलते हैं क्या, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में हम पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट कार्बन को मेन चेन में लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए, और फिर आप काउंट कर लीजिए कितने नंबर हैं। तो यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, जबकि हमें 4 मेंबर का पूछ रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी को अगर देखे हुए तो कार्बन से सी डबल बॉन्ड ओ और इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन कनेक्टेड है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ और बोथ साइड कार्बन होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कीटोन्स। क्या बोलते हैं? कीटोन्स। तो पेरेंट चेन बात आती है सर कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। देखो हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिए। सर नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट लोकेट मिले, तो इधर से करो 1 2 3 4 5, जबकि हमें पूछा जा रहा है 4 मेंबर का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कार्बन चेन होना चाहिए, जबकि हमारा यहाँ पे 5 मेंबर का है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। देखिए ये कंपाउंड दिया गया है और इसका कॉमन नेम पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम इस कंपाउंड को देखते हैं, तो देखिए इस कंपाउंड में अगर देखोगे तो कार्बन से ओ एच कनेक्टेड है और डबल बॉन्ड ओ है और इधर अल्काइल ग्रुप है, मतलब अगर किसी कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ एच और कार्बन से इधर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो, कार्बन के चेन अटैच हो, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसे कार्बन को जो कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और एक साइड ओ एच हो और एक साइड अल्काइल हो, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, अब इसका हमें नेमिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर लेते हैं, CH3CH Cl CH2 C डबल बॉन्ड O OH। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल में पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। सर पेरेंट चेन क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चेन में रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए, कर लिए। सर सेकेंड में हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलता है, तो इधर से अगर करें तो 1 2 3 4 मिलेगा, जो कि 1 पोजीशन में मिल गया, हमारा बेस्ट है। अब हाँ बात आती है सर नाम कैसे लिखे, तो नाम लिखने के लिए हम करते क्या है, प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। देखिए प्रीफिक्स हमारा सेकेंडरी क्या होता है, मेन चेन के अलावा जो भी हमारे सब्सिट्यूएंट लगे रहते हैं, कार्बन के चेन हो या कोई भी ClBrNO2, डिफरेंट टाइप के हमारे सब्सिट्यूएंट होते हैं वो लगे हो तो उनको सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए 3 पोजीशन पे हमें लगा है Cl, तो इसके लिए हम लिखते हैं क्लोरो। क्या लिखते हैं? क्लोरो। देन हमारा प्रीफिक्स प्राइमरी, इस कंपाउंड में अगर देखे तो कोई हमारा ना ही साइक्लिक है, ना ही बाई साइक्लो है, ना ही स्पायरो है, तो प्रीफिक्स हम तब यूज करते हैं जब इस टाइप के कंपाउंड होते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। देन हम वर्ड रूट यूज करेंगे, तो मेन चेन में जितने कार्बन हैं उसके लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसके लिए यूज करेंगे ब्यूट। अब देखिए सफिक्स प्राइमरी क्या होता है, सफिक्स प्राइमरी मेन चेन को बताता है कि ये हमारा सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, तो अगर सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड है, और सेचुरेटेड होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, AnE यूज करते हैं।
अब देखिए साफिक सेकेंडरी हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, और यहाँ पे कंपाउंड में हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को हम साफिक सेकेंडरी में दो तरीके से यूज करते हैं। अगर वेन कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन तो हम यूज करते हैं ओइक एसिड, क्या ओइक एसिड। लेकिन अगर आपका कार्बन मेन चेन में ना हो, वेन कार्बन इज नॉट इंक्लूडिंग इन मेन चेन तो हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बन मेन चेन में नहीं होगा तो उसके लिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बन चेन में कार्बन इंक्लूड होगा तो हम उसके लिए लिखेंगे ओइक एसिड। तो यहाँ पे देखिए कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओइक एसिड। लेकिन यहाँ पे देखिए ई के जस्ट बाद ओ आ रहा है, ई के जस्ट बाद ए आई ओ यू आता है या वाई आता है, तो हम यहाँ ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं तो हमारा नाम हो जाएगा 3-chlorobut-N-oic acid। चलिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन वन में दिया गया है अल्फा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। हाँ देखिए यहाँ पे हमें कॉमन नेम पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कॉमन नेम। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो उसके बगल वाले को बीटा और उसके बगल वाले को गामा। तो यहाँ पे हमें अल्फा बीटा, बीटा पे क्या है क्लोरो है, तो यहाँ पे थ्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बीटा भी लिख सकते हैं, और बीटा लिखेंगे तो ये कॉमन नेम हो जाएगा, थ्री लिखेंगे तो IUPAC नेम हो जाएगा। देख लीजिए बीटा क्लोरो ब्यूट एन ओइक एसिड क्या है, यहाँ पे बीटा क्लोरो ब्यूट एन ओइक एसिड मतलब हमारा क्या है, ऑप्शन बी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। हमें एक कंपाउंड दिया गया है और इसके IUPAC नेम दिए गए हैं, बोला जा रहा है इनमें से कौन सा नेम सही होगा इस कंपाउंड के लिए। चलिए सबसे पहले कंपाउंड को समझते हैं। देखिए इस कंपाउंड में क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, वन साइड में हाइड्रोजन है और वन साइड में कार्बन के चेन जुड़ा है। अगर ऐसा कोई कार्बन रहता है तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन बोलते हैं, और ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये कंपाउंड जो है एल्डिहाइडिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है तो इसका हम नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं। देखिए हमें कंपाउंड दिया गया है CH3CH CH2, यहाँ पे BR दिया हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H दिया गया है। अगर हमें कोई कंपाउंड दिया गया रहता है, अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उस फंक्शनल ग्रुप को रखते हुए सबसे पहले हम पेरेंट चेन चुनते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन का। मैंने क्या कर लिया, पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया। देन हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं उस कंपाउंड का, और नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। तो चलिए हम काउंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, तो 1, 2, 3, 4 हमारे क्या हैं, इधर से काउंटिंग किए तो फर्स्ट नंबर में हमारा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिला, तो ये हमारा नंबरिंग सही होगा। अब बात आती है कि सर इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखे। तो नाम लिखने का जो हमारा IUPAC नॉर्म्स होता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, फिर हम प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट को लिखते हैं, फिर हम सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। देखिए बात आती है सर प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारा साइड चेन होता है मेन चेन के अलावा जो भी लगे रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स सेकेंडरी। इसको एज हम ब्रांच साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए तीसरी पोजीशन पे हमारा क्या लगा है, BR, इसको बोलते हैं ब्रोमो, ठीक है। अब हमारा बात आता है सर कोई प्रीफिक्स सेकेंडरी और है क्या, तो कोई नहीं है,
अब हम आते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी पे। तो अगर कोई कंपाउंड में हमारा मेन चैन साइक्लिक हो, बाईसाइक्लिक हो या स्पायरो हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, जो कि हमारा नहीं है। देन हम वर्ड रूट पे आएंगे, तो वर्ड रूट मेन चैन में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। तो देखे तो पेरेंट चैन में हमारा 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट, ठीक है। अब हमारा सफिक्स प्राइमरी बताता है कि पेरेंट चैन का नेचर कैसा है, मतलब पेरेंट चैन में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो पेरेंट चैन में हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं AME, सफिक्स प्राइमरी। देन हमारा सफिक्स सेकेंडरी है, तो सफिक्स सेकेंडरी हमारा फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। तो अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, तो हम इसके लिए सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं। अगर हमारा कार्बन मेन चैन में इंक्लूड होता है, कार्बन अगर इंक्लूड होता है मेन चैन में, तो हम AL यूज करते हैं सफिक्स सेकेंडरी। अगर कार्बन मेन चैन में इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूड इन मेन चैन, तो हम यूज करते हैं कार्ब एल्डिहाइड यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कार्बन मेन चैन में इंक्लूड है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो कहाँ पे इंक्लूड है, फर्स्ट पोजीशन पे, और क्या यूज करेंगे, AL। तो ये हमारा इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। चलिए हम ऑप्शन को देख के मैच कर लेते हैं, जो हमारा ऑप्शन को मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बोला जा रहा है 2-bromo-butene-ol, ये नहीं होगा क्योंकि 3 पे है। ये देखिए बोला जा रहा है अल्फा ब्रोमो ब्यूटेनॉल। देखिए जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, देन बीटा बोलते हैं, देन गामा बोलते हैं, जब कॉमन नेम यूज करते हैं। तो देखिए हमारा बीटा पे लगा है ब्रोमो, तो यहाँ पे तो अल्फा बोल रहा है, होगा नहीं। अब देखिए ऑप्शन सी बोल रहा है कि 3-bromo-butene-ol, क्या है हमारा ऑप्शन में जो नेम लिखे थे, 3-bromo-butene-ol, क्या है ये हमारा नाम, क्या होगा, सही होगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर हमारा ई के बाद AIOUY आता है, तो E को स्ट्राइक आउट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। देखिए हमें एक कंपाउंड दिया गया है और इसका IUPAC नेम क्या होगा पूछा गया है। सबसे पहले समझिए, इस कंपाउंड में अगर देखिएगा तो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और वन साइड में भी कार्बन के चैन जुड़े हुए हैं और दूसरे साइड में भी क्या है, कार्बन के चैन जुड़े हुए हैं। तो ऐसे अगर किसी कंपाउंड में कोई कार्बन कनेक्टेड होता है, तो इस कार्बन को हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा कहलाता है, कीटोन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, कीटोन कहलाता है। तो इस कंपाउंड में कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो कीटोन। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, कीटोनिक ग्रुप का हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो चलिए इसका हम नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम इस कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं। देखिए ड्रॉ करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3 और CL है। देखिए अगर हमें कोई फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड दिया गया है, तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, और पेरेंट चेन का सिलेक्शन कुछ ऐसे करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करता हुआ हमने क्या कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। देन बात आती है नंबरिंग की, सेकेंड में क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कम से कम नंबर मिले, मतलब लोएस्ट नंबर मिले। तो हम किधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6,
मतलब हम इधर से चलते तो 1 2 3 4 5 पे मिलता, इधर से चले तो 2 पे मिल गया। तो ये हमारा नंबरिंग क्या है, सही है। अब बात आती है सर नेमिंग की, तो हम नेमिंग का जो नोम्स होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। नेमिंग का नोम्स बोलता है कि सबसे पहले आप प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखो, फिर आप प्रीफिक्स प्राइमरी लिखो, फिर आप वर्ड रूट लिखो, फिर आप सफिक्स प्राइमरी लिखो, फिर आप सफिक्स सेकेंडरी लिखो। अब बात आती है सर प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होता है, तो कंपाउंड में मेन चेन के अलावा कार्बन का चेन या अदर कोई हमारा ClBrNO2 या NO, ऐसे बहुत सारे सब्सिट्यूएंट होते हैं, अगर वो सब लगे रहते हैं तो उन्हें हम प्रीफिक्स सेकेंडरी में लिखते हैं। तो देखिए अगर यहाँ थर्ड पोजीशन पे देखिएगा तो एक कार्बन लगा है, इसको मिथाइल बोलेंगे, और फिफ्थ पोजीशन पे Cl लगा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। तो जब भी हम प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं तो इनको भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे क्या करते हैं, नोम्स करते हैं। तो यहाँ फिफ्थ पोजीशन पे हमारा क्या है, क्लोरो है, तो CH क्लोरो लिखेंगे। देन हमारा क्या है, थर्ड पोजीशन पे एक कार्बन है तो इसके लिए मिथाइल लिखेंगे। अब बात आती है सर कोई ब्रांच है क्या, तो अब कोई ब्रांच हमारा नहीं बचा, तो अब आएंगे प्रीफिक्स प्राइमरी पे, और प्रीफिक्स प्राइमरी कोई हमारा साइक्लिक बाईसाइक्लिक या स्पायरो कंपाउंड होता है तब हम यूज करते हैं, जो कि नहीं है तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब आते हैं वर्ड रूट पे, तो हमारा कंपाउंड में जितने मेन चेन में कार्बन होते हैं उनके लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड में हमारा 6 कार्बन है तो इसके लिए वर्ड रूट यूज करेंगे हेक्स। अब बात आती है सर सफिक्स प्राइमरी क्या होता है, तो कंपाउंड के अंदर जो पेरेंट चेन होता है उस पेरेंट चेन में जो कार्बन का चेन है अगर सिंगल बॉन्डेड होता है तो उसके लिए हम ANE यूज करते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी, अगर हमारा डबल बॉन्ड होता है तो ENE यूज करते हैं, अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, ANE यूज करेंगे। देन हमारा क्या बचा, हमारा बचा सफिक्स सेकेंडरी, अगर सफिक्स सेकेंडरी में हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं सफिक्स सेकेंडरी ONE, ठीक है। तो चलिए कार्बन इस पेरेंट चेन में हम देखते हैं कीटोन का कार्बन 2 नंबर के पोजीशन पे है तो हम इसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2-ON। लेकिन यहाँ पे बात याद रखिएगा, अगर ई के बाद आपका AIOUY आता है तो हम ई को नोम्स में स्ट्राइक आउट कर देते हैं और उसके बाद नेमिंग करते हैं। तो अगर हम देखें तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, 5-क्लोरो-3-मिथाइल-हेक्स-N-2-ON। और ऐसा ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन में देखे ए में तो लिखा गया है 5-क्लोरो-3-मिथाइल-हेक्स-N-2-ON होगा, लेकिन यहाँ पे ओन लिखा गया है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन हम बी देखते हैं, 1-क्लोरो-1-3-डाई-इथाइल-4-पेंट-N-ON, हमारा क्या ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 5-क्लोरो-3-5-डाई-मिथाइल-1-2-पेंट-N-ON, क्या ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं डी, डी में बोला जा रहा है 5-क्लोरो-5-क्लोरो-3-मिथाइल-3-मिथाइल। सर हेक्स 6 कार्बन के लिए हेक्स, सर सिंगल बॉन्ड के लिए एन एन, और उसके बाद ओन, ओन के लिए देखिए वर्ड रूट से पहले 2 जो 2 लिखा गया है, सिमिलर यहाँ पे आप सफिक्स सेकेंडरी के साथ भी इसका पोजीशन लिख सकते हैं, नहीं तो आप वर्ड रूट से पहले इसके पोजीशन को लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, सफिक्स सेकेंडरी के साथ ही इसके पोजीशन को लिख दिया है, तो हमारा ऐसे भी लिखा जा सकता है और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बात सेम है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है फिर इसे सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज, ये एक कंपाउंड दिया गया है, इसका करेक्ट IUPAC नेम पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम इस कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं, CH3CH2C डबल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड OOH। अगर आप
इस कंपाउंड को देखोगे तो इस कंपाउंड में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, मतलब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप भी है, देन हमारा इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, एल्कीन ग्रुप का भी है, मतलब इस कंपाउंड में दो दो फंक्शनल ग्रुप क्या है, इन्वॉल्व है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा एल्कीन। तो अब बात आती है सर हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो कंपाउंड में प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हुए नोम्स का जो भी रूल होता है उसे अप्लाई करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले नंबर पे आता है, तो हम क्या करेंगे इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे, क्या करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे, साथ ही साथ डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी देते हुए सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को देन डबल बॉन्ड को। तो मतलब पेरेंट चेन हम कुछ ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड हो साथ ही साथ डबल बॉन्ड वाला भी कार्बन इंक्लूड हो और लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट हमारा कार्बन चेन बने, ठीक है। तो हमने इंक्लूड करके बना लिया। अब बात आती है सर नंबरिंग किधर से करोगे, तो हम नंबरिंग में भी यही काम करेंगे, नंबरिंग के भी नोम्स में हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं क्या फंक्शनल ग्रुप के एटम को, देन हम किसको प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कार्बन को हम 1 देंगे, देन यहाँ 2 देंगे, देन ये 3 देंगे। अब बात आती है सर नेमिंग कैसे करोगे, तो नेमिंग कैसे करते हैं सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं, फिर वर्ड रूट यूज करते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं। अब बात आती है सर प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होती है, तो कंपाउंड में मेन चेन के अलावा जो भी साइड चेन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी। तो देखिए दूसरे पोजीशन पे दो कार्बन के हमारे साइड चेन लगे हैं, तो इनके लिए लिखेंगे 2-ethyl, क्या लिखेंगे 2-ethyl, क्योंकि दो कार्बन के लिए इथ और अल्काइल ग्रुप होते हैं हमारे साइड चेन, तो YL ऐड कर देंगे। अब लिखते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी, जबकि हमारे कंपाउंड में ना ही साइकिल है ना ही स्पायरो है ना ही बाईसाइकिल है, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स प्राइमरी छोड़ देंगे, कुछ होगा नहीं। अब बात आती है सर पेरेंट चेन में प्रेजेंट जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उन्हीं को हम बताते हैं वर्ड रूट, तो वर्ड रूट हमारा कितना है 3 कार्बन है, तो इसके लिए लिखेंगे प्रोप, ठीक है। अब बात आती है सर कि सफिक्स प्राइमरी क्या होता है, हमारा जो पेरेंट चेन होता है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है उस चीज को बताता है। तो देखिए पेरेंट चेन में देखेंगे तो हमारा एक डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम लिखते हैं उसके पोजीशन के साथ ENE, ठीक है। अब बात आती है सर सफिक्स सेकेंडरी, तो सफिक्स सेकेंडरी यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो, क्या हो मेन चेन में इंक्लूड हो, तो उसके लिए हम ओइक एसिड लिखते हैं, क्या लिखते हैं ओइक एसिड, तो किस पोजीशन पे है 1 पोजीशन पे, तो लिखेंगे 1 ओइक एसिड। लेकिन यहाँ पे बात याद रखिएगा ई के जस्ट बाद ए आई ओ यू वाई आता है, तो ई को हम क्या करते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा ये नाम कंपाउंड का हो जाएगा। अब बात आती है सर ऑप्शन से मैच कराइए और हमारा सही आंसर बताइए, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 2-methyl-butanoic acid, यहाँ पे क्या है 2-ethyl प्रोप नहीं होगा, छोड़ दीजिए ऑप्शन 2 बोला जा रहा है 2-ethyl-prop-2-in-oic acid, और यहाँ पे क्या है 2-ethyl-prop-2-in-1-oic acid, बिल्कुल सही बात है। देखिए आप इस फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को वर्ड रूट से पहले आप दिखा सकते हो या आप साथ में दिखा सकते हो, तो इसमें क्या किया है वर्ड रूट से पहले दिखाया गया है और हमने साथ में दिखा दिया गया है, तो दोनों नेम सही है, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हमसे क्या बोला जा रहा है, देखिए हमें दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं और इस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है ट्रू स्टेटमेंट फॉर द एवब कंपाउंड इज, इन दोनों कंपाउंड के बारे में ट्रू स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं, बोला जा रहा है कि वन इज
फिनॉल वाइल सेकेंड इज एल्कोहल। बोला जा रहा है कि ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये फिनॉल है और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है एल्कोहल है। देखो अगर कोई कंपाउंड, वो कंपाउंड क्या हो बेंजीन हो और उस बेंजीन के साथ हमारा क्या हो डायरेक्ट ओएच ग्रुप जुड़ा हो तो इसे हम फिनॉल बोलते हैं। जबकि ये हमारा कंपाउंड कैसा है क्लोज साइकिल है, साइक्लिक कंपाउंड है, उससे ओएच जुड़ा है तो ये साइक्लिक एल्कोहल होगा ना कि फिनॉल होगा। मतलब ये हमारा स्टेटमेंट क्या है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि बोथ वन एंड टू आर प्राइमरी एल्कोहल। अब बात यहाँ पे समझिए कि डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है, क्या होता है डिग्री, डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है। अगर हम कंपाउंड वन ले ले, क्या ले ले कंपाउंड वन ले ले, अगर यहाँ पे क्या है यही कंपाउंड है ना, तो बात समझिए हम एल्कोहल का डिग्री कैसे निकालते हैं। तो एल्कोहल जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ओएच ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, अगर ये कार्बन जितने नंबर ऑफ कार्बन से डायरेक्टली अटैच होते हैं वही डिग्री इस ओएच का होता है। तो देखिए ये कार्बन अगर देखे तो एक कार्बन और इधर एक कार्बन, मतलब दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इस एल्कोहल का डिग्री, एल्कोहल क्या होगा ये एल्कोहल हमारा 2 डिग्री एल्कोहल होगा। जबकि हमें बोला जा रहा है क्या ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये हमारा क्या होगा ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए ऑप्शन क्या बोला जा रहा है कि वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी एल्कोहल। चलिए चेक कर लेते हैं, वन को तो मैंने किया तो ये क्या है जी वन हमारा क्या है सेकेंडरी एल्कोहल है, जबकि इसमें प्राइमरी बोला जा रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट गलत बोला जा रहा है। ऑप्शन डी को देखते हैं, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि वन इज सेकेंडरी एंड सेकेंड इज प्राइमरी एल्कोहल। देखिए हमारा वन क्या है सेकेंडरी एल्कोहल है, मतलब बात यहाँ पे एक हमारी सही हो गई। अब देखिए दूसरे एल्कोहल को हम बनाते हैं, ये कंपाउंड हमें दिया हुआ है और इस कंपाउंड में क्या है CH2 और OH है। अब देखिए हमने क्या बताया कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन जितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच होते हैं डायरेक्टली वही इस OH का क्या होता है डिग्री होता है। तो देखिए अगर ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस एल्कोहल का डिग्री क्या होगा 1 डिग्री होगा। और ऑप्शन में भी हमारा कुछ ऐसे ही बोला जा रहा है कि जो सेकेंड कंपाउंड है वो प्राइमरी एल्कोहल होगा, मतलब 1 डिग्री मतलब प्राइमरी एल्कोहल होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज डेट कंपाउंड, मतलब हमें एक कंपाउंड का नाम दिया गया है और इस कंपाउंड का क्या पूछा जा रहा है कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले उस कंपाउंड का हम नेम लिख लेते हैं। देखिए कंपाउंड का नेम क्या है साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए बात आती है सर नेम से हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, तो याद कीजिए आप नेमिंग कैसे करते हैं। हम नेमिंग करते हैं पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। यही ना करते हो आप, अगर इस कंपाउंड का नेम लिखा गया होगा तो आप इसी के अकॉर्डिंग लिखे होगे। तो अब यहाँ पे आपको नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले इस कंपाउंड में आपको ढूंढना है वर्ड रूट क्या है। तो अगर इस कंपाउंड को पढ़ोगे तो साइक्लोहेक्स, हेक्स वर्ड क्या बता रहा है हमें वर्ड रूट को बता रहा है, वर्ड रूट को, तो 6 नंबर का हमारा कार्बन होगा क्या, 6 लिखा है मतलब 6 नंबर का कार्बन चेन होगा। अब बात आती है सर ये कार्बन चेन का नेचर कैसा होगा, तो हमने बताया था क्या कि इसके जस्ट पहले जो प्रीफिक्स प्राइमरी होता है वो बताता है पेरेंट चेन के नेचर के बारे में कि वो साइक्लिक है, स्पायरो है या बाईसाइक्लो है या स्ट्रेट चेन है। तो अगर साइक्लिक रहता है, बाईसाइक्लिक रहता है या स्पायरो रहता है तो उसके लिए प्रीफिक्स कुछ दिए रहते हैं। और यहाँ पे देखिए हमें हेक्स के पहले दिया है साइक्लो, मतलब 6 मेंबर का क्या होगा साइक्लिक कंपाउंड होगा। चलो बना लेता हूँ 6 मेंबर का ये साइक्लिक कंपाउंड होगा। अब देखिए इससे जस्ट पहले हमारा क्या दिया है प्रीफिक्स सेकेंडरी जो कि यहाँ पे नहीं है, होता भी तो हम अभी इसको नहीं देखते। कैसे देखते, सबसे पहले देखते कि ये जो हमारा कंपाउंड 6 कार्बन का दिया गया है इसमें कहाँ पे सेचुरेशन या अनसेचुरेशन है, मतलब सफिक्स प्राइमरी देखते, और सफिक्स प्राइमरी हमारा क्या है ANE है, क्या है ANE है,
मतलब ए एनी हम कब यूज करते हैं, जब हमारा पेरेंट चेन में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, मतलब हमारा 6 मेंबर का साइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा। देन हम यूज करते हैं सफिक्स सेकेंडरी, और सफिक्स सेकेंडरी हमारा बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और अगर किसी कंपाउंड के लास्ट में ओ एन ई लिखा गया है तो ये हम यूज करते हैं किसके लिए, कीटोन, कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप के लिए, जो कुछ हमारा कैसे होता है कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ओ, और इधर भी क्या होता है एक कंपाउंड कार्बन का जुड़ा मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, और इधर भी हमारा अल्काइल ग्रुप होता है, कार्बन के चेन लगे हुए रहते हैं। तो सिमिलर हम कहाँ पे जोड़ दें, कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, तो हम यहीं पे जोड़ देते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, और हमारा क्या होगा अकॉर्डिंग टू ये जो नाम दिया गया है नेम्स के अकॉर्डिंग यही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। तो चलिए ऑप्शन में स्ट्रक्चर को मैच कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है क्या, नहीं है। ऑप्शन बी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है क्या, नहीं है। ऑप्शन सी में क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है क्या, नहीं है। और ऑप्शन डी में, अरे मेरे भाई ऑप्शन ए बी और सी में नहीं है तो डी में होगा ना, और डी में है मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू IUPAC नोम्स के। थैंक यू। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा जा रहा है। चलिए पहले इस कंपाउंड को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसका नेमिंग करेंगे, फिर हम मैच कर लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए सी क्या है, CH3CCl OH CH2CH double bond CH CH3। अगर आप इस कंपाउंड को देखिएगा तो इस कंपाउंड में क्या है OH है, और OH हमारा क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है एल्कोहल होता है, क्या होता है जी एल्कोहल होता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड भी हमारा क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है एल्कीन ग्रुप का हमारा क्या हो जाता है फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। तो अब बात आती है सर दो दो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में है तो हम कैसे नेमिंग करेंगे, तो याद इतना रखिए कि हमारा जो एल्कोहल होता है वो प्रायोरिटी में अधिक होता है इन कंपेयर टू एल्कीन से। तो हम यहाँ पे OH को फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हुए क्या करेंगे अपना पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे और नेमिंग भी करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा नोम्स ये बोलता है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है कंपाउंड के अंदर उस फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन को पेरेंट चेन में रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। तो क्या आप कर सकते हो क्या, तो कर सकते हो तो करो ना। चलिए मैंने क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया, यही हमारा क्या होगा सबसे लॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रखते हुए चेन होगा। देन सेकेंड नंबर में क्या होता है हम नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग भी आपको कैसे करना है ऐसे वैसे नहीं करना है, आपको IUPAC नोम्स के अकॉर्डिंग करना है, और IUPAC नोम्स बोलता है कि आप उधर से नंबरिंग करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। तो कर लो मेरे भाई, अगर इधर से करोगे तो 1 2 मिलेगा, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 मिलेगा, तो ये हमारा नंबरिंग क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। जब आप नंबरिंग कर लिए तो बात आती है सर नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग में आपको करना क्या होता है सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखिए, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखिए, फिर वर्ड रूट लिखिए, फिर क्या लिखिए सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। अब बात आती है सर ये सब चीजें क्या होती है, तो सुनिए पेरेंट चेन के अलावा जो भी हमारा साइड चेन होता है तो उसको क्या बोलते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी, वो हमारा कार्बन का चेन हो सकता है या अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं जैसे Cl Br NO2 NO, बहुत सारे होते हैं। आपको एक हमारे जाइए प्लेलिस्ट में, आप नोमेनक्लेचर का वीडियो देखिए वहां पे आपको सभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे पोजीशन पे हमारा क्या लगा है Cl लगा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2 क्लोरो, ठीक है। अब बताइए अब कोई साइड चेन है क्या, कुछ नहीं है,
ये OH बोलोगे, अरे मेरे भाई ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना एल्कोहल, तो इसको हम कहाँ यूज करेंगे, सफिक्स सेकेंडरी में। क्यों? क्योंकि सफिक्स सेकेंडरी हम फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं। अब देखिए प्रीफिक्स प्राइमरी में हमारा क्या होगा, प्रीफिक्स प्राइमरी में हम यूज करते हैं कोई हमारा पेरेंट चेन साइक्लिक हो, बायसाइक्लिक हो या स्पैरो हो, तब, जो कि कुछ दिख नहीं रहा है तो ये छोड़ देंगे। अब बात आती है सर वर्ड रूट, तो वर्ड रूट बताता है पेरेंट चेन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन को। तो देखिए पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, ठीक है। अब बात आती है सर सफिक्स प्राइमरी क्या होता है, तो सफिक्स प्राइमरी बताता है हमारे पेरेंट चेन के नेचर के बारे में कि पेरेंट चेन हमारा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड होता है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस हो जाती है, सैचुरेटेड होता है तो सिंगल बॉन्डेड हमारा क्या होता है, कार्बन चेन होता है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्डेड है तो डबल बॉन्डेड के लिए हम यूज करते हैं क्या, ENE, लेकिन इसके पोजीशन को भी बताते हैं, और पोजीशन कौन सा बताते हैं, जिधर से नंबरिंग किए हैं तो जिस कार्बन से डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, क्योंकि दो कार्बन से कनेक्टेड होगा तो लोएस्ट कार्बन के नंबर को क्या बताते हैं, नंबरिंग में हम लिखते हैं। देन सर क्या लिखेंगे, तो देन हम लिखेंगे सफिक्स सेकेंडरी, और सफिक्स सेकेंडरी हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप OH है, मतलब एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, एल्कोहल के लिए हम सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं क्या, OL, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लिख देंगे OL, लेकिन ये कहाँ पे लगा है इस पोजीशन को भी बताना पड़ेगा, तो दूसरे पोजीशन पे लगा है OL। अब बात यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारा E के बाद अगर नेमिंग करेंगे, E के बाद AIOUY आता है, तो E को क्या करते हैं, नेमिंग से स्ट्राइक आउट कर देते हैं, तो यहाँ से हटा देंगे तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, यही नाम हमारा इस कंपाउंड का होगा। चलिए ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, फिर अपना ऑप्शन को सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया 2 क्लोरो हेक्स 4 इन 2 ऑल। चलिए हम कंपाउंड देख लेते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है 5 क्लोरो, क्या होगा, क्या कभी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है 2 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी हेक्स इन। देखिए क्या कुछ यहाँ पे दिया है, क्या नहीं दिया है। अगर बात यहाँ पे समझोगे सर, ये हाइड्रोक्सी क्या होता है, हाइड्रोक्सी हम इसी एल्कोहल के लिए प्रीफिक्स प्राइमरी की तरह यूज करते हैं। मतलब सर क्या OH प्रीफिक्स प्राइमरी की तरह भी यूज होता है, हाँ होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्कोहल से भी कोई हाईली प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप अगर इस कंपाउंड में रहता तो अदर जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप लो प्रायोरिटी के होते हैं उनको हम प्रीफिक्स प्राइमरी की तरह यूज करते हैं, और यहाँ पे अगर एल्कोहल रहता और कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप रहता तो उसके लिए हम हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा OH ही फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या करेंगे, ये भी नाम हमारा गलत हो जाएगा। मतलब ये भी गलत था, ये भी गलत था। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी बोला जा रहा है 2 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी 5 हेक्स इन। चलिए क्या दिया है, 2 क्लोरो हेक्स 4 इन 2 ऑल, ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन हम डी देखते हैं, डी में बोला जा रहा है 2 क्लोरो 2 क्लोरो 4 हेक्स इन ऑल 2। यहाँ पे देखिए बोला गया है 4 इन 2 ऑल, मतलब देखिए यहाँ पे आप डबल बॉन्ड के लोकेशन को वर्ड रूट से पहले भी दिखा सकते हो या उसके साथ दिखा सकते हो, मतलब सफिक्स प्राइमरी का जो लोकेशन है वर्ड रूट से पहले भी दिखा सकते हो या इसके साथ भी दिखा सकते हो, तो क्या है, हम कहीं भी दिखा ले, सफिक्स सेकेंडरी को क्या इसके बाद या इसके साथ दिखा सकते हो, बात सेम है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इस कंपाउंड के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है कि द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज, एक हमें कंपाउंड दिया गया है और इसके IUPAC नेम दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही होंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं, हमें कुछ ऐसा कंपाउंड दिया गया है। देखिए अगर इस कंपाउंड को आप देख रहे हैं तो इस कंपाउंड में OH दिया गया है, क्या दिया गया है, OH। OH हमारा क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एल्कोहल, क्या बोलते हैं, एल्कोहल। अगर किसी कंपाउंड में हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो उस
कंपाउंड का नेमिंग हम इस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे करते हैं, और कैसे करते हैं तो आईयूपीएसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करते हैं। आईयूपीएसी नॉर्म्स बोलता है कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड जो भी कार्बन है, उस कार्बन को मेन चैन में लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सेलेक्ट कीजिए। चलिए हमने कर दिया। अब दूसरी बात ये आती है कि आप नंबरिंग किधर से करोगे, तो आईयूपीएसी नॉर्म्स बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आप लोएस्ट नंबर देते हुए क्या करो, नंबरिंग करो। तो नंबरिंग कैसे करोगे मेरे भाई, तो हम इसको लोएस्ट नंबर देंगे 1 और 2। जब नंबरिंग कर लिए तो बात आती है सर नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग हम आईयूपीएसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करेंगे। प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी, फिर हम यूज करेंगे वर्ड रूट, फिर हम यूज करेंगे सफिक्स प्राइमरी और फिर सफिक्स सेकेंडरी। अब बात आती है सर प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होता है, तो मेन चैन के अलावा जो भी कार्बन के चैन होते हैं तो उसे बोलते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमारा साइड चैन है वो साइक्लिक कंपाउंड है, बोलते हैं साइक्लो, और 3 मेंबर का है तो इसे लिखते हैं प्रोप, और हमारा क्या है साइड चैन है तो इसके लिए YL ऐड कर देते हैं, मतलब साइक्लो प्रोप आइल होगा। और ये कहाँ पे लगा है, 1 पोजीशन पे, तो इसके पोजीशन को भी हम बता देते हैं। फिर हम प्रीफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं, मेन चैन हमारा कैसा है, साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है या स्पायरो है, तो हम देखें तो हमारा स्ट्रेट चैन है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स प्राइमरी कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अब बात आती है मेन चैन में नंबर ऑफ कार्बन जितने होते हैं उसके लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं, तो मेन चैन में 2 कार्बन है तो उसके लिए हम वर्ड रूट यूज करेंगे इथ। उसके बाद लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स प्राइमरी बताता है कि पेरेंट चैन का नेचर कैसा है, हमारा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो सिंगल बॉन्ड है मतलब सैचुरेटेड है, और उसके लिए यूज करते हैं ANE। अब बात आती है सबसे लास्ट में कि सर सफिक्स सेकेंडरी क्या लिखते हैं, तो ये हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड में रहे तो, और फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, एल्कोहल है, मतलब OH है, तो अगर एल्कोहल क्या हो कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप के तौर पे हो तो यहाँ पे सफिक्स सेकेंडरी OL यूज करते हैं, और OL कहाँ पे होगा, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ लिख देंगे 1OL। अब बात देखिए, अगर नोमिक्लेचर के ई के बाद AIOUY अगर आता है तो ई को हम क्या करते हैं, स्ट्राइक आउट कर देते हैं, यहाँ से ये समाप्त हो जाएगा और नाम हमारा क्या हो जाएगा, 1-cyclopropyl-ethanol। ठीक है, चलिए ऐसा हम नेमिंग देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 1-hydroxy होगा क्या, नहीं होगा। 1-hydroxy-ethyl होगा क्या, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, साइक्लो प्रोप आइल इथ एन ऑल, क्या होगा यहाँ पे, 1-cyclo प्रोप आइल इथ एन ऑल। देखिए ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 पोजीशन को आप लिखो या ना लिखो वो क्या होता है, इंक्लूडेड होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं लिखा है, मतलब हमारा नेम क्या होगा, बिल्कुल हूबहू मैच कर रहा है और यही नेम सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 1-cyclopropyl-ethanol। भाई मेरे ऑप्शन डी देखोगे तो इसमें पोजीशन को भी बता दिया, तो ये हमारा क्या होगा, सबसे बेस्ट आंसर होगा। अगर ये आंसर नहीं दिया रहता, पोजीशन वाला नहीं दिया रहता, तो हम इसको मान के चलते कि ये हमारा बेस्ट आंसर है, लेकिन ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, लोकेशन के साथ बता के दिया हुआ सबसे बेस्ट होगा, और ये हमारा सेकेंडरी होगा, और ऑप्शन हमारा क्या, एक ही सही होना है, तो ये हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है कि करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, ये हमें कंपाउंड दिया गया है और इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इन चारों में से ये पूछा जा रहा है। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो इस कंपाउंड में आपको OH दिखेगा, और OH क्या होता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसे बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं जी, एल्कोहल। अगर किसी कंपाउंड में हमारा फंक्शनल ग्रुप कंटेन हुआ रहता है, मतलब प्रेजेंट रहता है, तो हम कैसे उसका नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग पूरे के पूरे बेस्ड हो जाता है
उस फंक्शनल ग्रुप पे। अब देखिए OH फंक्शनल ग्रुप है, तो इस OH फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन को हम रखते हुए पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, तो हमारा पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। अब बात आती है सर नंबरिंग कैसे करें, तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। अगर हम इधर से करेंगे तब भी वन मिलेगा, मतलब सर यहीं से स्टार्ट करेंगे तो वन ही तो मिलेगा ना, सही बात है। अब देखो आप इधर चलोगे तो ब्रांच मिलेगा, इधर चलोगे तब भी ब्रांच मिलेगा, इसके आगे जाओगे तब भी ब्रांच मिलेगा, और इसके आगे जाओगे तब भी हमें ब्रांच मिलेगा। मतलब सर नंबरिंग तो हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट देंगे, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट तीनों के तीनों पोजीशन पे आ गए, तो हम फंक्शनल ग्रुप के बाद नंबरिंग में प्रायोरिटी देते हैं किसको, मल्टीपल बॉन्ड को। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी ना रहे तो हम प्रायोरिटी देते हैं किसको, सब्सिक्वेंट को। अब देखिए इधर जाते हैं तो टू पोजीशन पे भी सब्सिक्वेंट मिलता है, थ्री पे भी मिलता है और फोर पे भी मिलता है। मतलब लोएस्ट लोकेंट हमारा सब्सिक्वेंट को क्या मिला, टू मिला, और इधर से चलते तब भी हमें क्या मिलता, देखो इधर से चल के देखो आप, अगर इधर से चलोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, ये तो वन ही रहेगा, ये टू मिलेगा। अब चलो इधर से आप चलोगे तो थ्री मिला, इधर से भी चलोगे तो थ्री मिलेगा। अब बात आती है सर इधर से चलोगे तो चौथे पे भी मिलेगा, और इधर से चलोगे तब भी चौथे पे मिलेगा। तब हम कैसे करते हैं, तब हम क्या करते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप के अलावा सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट लोकेंट क्या हो जाए, फर्स्ट लोकेंट सेम हो जाए बोथ साइड से, तो हम यूज करते हैं लोएस्ट सम रूल। और लोएस्ट सम रूल देखे तो इधर से चले तो हमारा क्या मिला, टू पे मिला, थ्री पे मिला, फोर पे मिला, और इधर से चले तो टू पे मिला, थ्री पे मिला और फोर पे मिला। मतलब इन तीनों का सम करें तो क्या होगा हमारा, तीन दो पाँच पाँच चार नौ, और यहाँ भी तीन दो पाँच पाँच चार नौ। मतलब लोएस्ट सम रूल हमारा बोथ साइड से क्या हो गया, सेम हो गया। तब हम नंबरिंग का थर्ड रूल अप्लाई करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आप इधर से चलोगे तो क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं ब्रोमो, क्या बोलते हैं ब्रोमो। तो यहाँ बी मिला, ये देखिए दो कार्बन है तो इसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड रूट इथाइल, और यहाँ पे हमारा क्या है, इस पोजीशन पे सीएल लगा है तो इसे बोलते हैं क्लोरो, क्लोरो, ठीक है। तो अब इन तीनों में देखिए इधर से चले तो दूसरे पोजीशन पे हमें मिला क्लोरो सी, और इधर से चले तो दूसरे पोजीशन पे मिला बी आर ब्रोमो बी। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है तो हमारा नंबरिंग किधर से सही होगा, बी तरफ से होगा। तो टोटल का टोटल हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे वन टू थ्री फोर। अगर आप नंबरिंग कर लिए तो सर अब नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग आप करोगे IUPAC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखोगे, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखोगे, फिर वर्ड रूट लिखोगे, फिर हम क्या लिखेंगे सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। अब देखो प्रीफिक्स प्रीफिक्स सेकेंडरी हमें बताता है कि साइड चेन के बारे में, मेन चेन के अलावा। तो साइड चेन हमारा क्या क्या है, यहाँ BR है, यहाँ दो कार्बन का इथाइल है, और यहाँ पे CL है। तो इसमें भी हमारे मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो हम उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके पोजीशन के साथ लिखते हैं। तो देखिए B पहले आता है तो दूसरे पोजीशन पे हम लिखेंगे ब्रोमो, देन हमारा C आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो फोर्थ पोजीशन पे लिखेंगे क्लोरो, और देन हमारा बचा तीसरा थ्री पोजीशन पे तो इसे लिखेंगे इथाइल। अब हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी समाप्त हो गया, प्रीफिक्स प्राइमरी। अब देखो प्रीफिक्स प्राइमरी अगर हमारा कंपाउंड साइक्लिक बाईसाइक्लिक या स्पायरो होता है तो उसके लिए प्रीफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड है हमारा मेन चेन तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। देन हमारा बचा वर्ड रूट, तो वर्ड रूट साइक्लिक कंपाउंड कितना का है, चार कार्बन का है तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट। अब देखिए लीजिए साइक्लिक कंपाउंड में हमारा क्या है, सभी के सभी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो सफिक्स प्राइमरी हमारा यही तो बताता है मेन चेन के बारे में कि डबल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है। तो डबल बॉन्डेड है तो ENE यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE यूज करेंगे,
अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE यूज करेंगे, तो हमारा क्या है यहाँ कंपाउंड, सिंगल बॉन्डेड है तो ANE यूज करेंगे। अब बात आती है सर सफिक्स सेकेंडरी, तो सफिक्स सेकेंडरी हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, अगर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके लिए सफिक्स सेकेंडरी OL यूज करते हैं, तो OL हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट OL। और साथ ही साथ देखिए E के बाद जब AIOUY आता है तो E को स्ट्राइक आउट कर देते हैं, यहाँ से ही हमारा हट जाएगा, तो कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, 2-bromo-4-chloro-3-ethyl-cyclobutane-1-ol। अब देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया गया है, जो ऑप्शन इससे मैच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का करेक्ट नेम हो जाएगा। देखिए 2-bromo-4-chloro-2-bromo-3 ये नहीं होगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सही नहीं दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं, यहाँ पे 4-bromo-1-chloro कुछ है क्या जी, 2-bromo है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है 2-bromo-4-chloro, यहाँ पे क्या है 2-bromo-4-chloro, बिल्कुल सही है। 3-ethyl-3-ethyl साइक्लो साइक्लो हाइड्रोक्सी, क्या हाइड्रोक्सी होगा क्या जी, नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी में दिया गया है 2-bromo-4-chloro-3-ethyl-3-ethyl-cyclo-cyclo-butane-N-ol-ol। मतलब देखिए जो ऑप्शन डी दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, वन पोजीशन को आप लिखिए या ना लिखिए वो इंक्लूडेड होता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के, ठीक है।